वेल सुमित, एक चीज़ बतानी है मुझे कि हम जब टेलीग्राम में ये ओनली एस के में कुछ भी ढूंढते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें बस मंथ का नाम लिखना है और कुछ नहीं। उस मंथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे सब आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल तुम देखो, मुझे चाहिए था प्लिम बूस्टर कम, ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी मुझको, पर ये मुझे मिल नहीं रही थी। ये मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी, प्लिम बूस्टर कंबाइलेशन, मुझे मिल नहीं रहा था। मैं बहुत सर्च करता रहा, बहुत सर्च करता रहा, नहीं मिल रहा। पर एक्चुअली बस ये जो है, कई बार ये प्रिलिम बूस्टर कंपाइलेशन लिख रहे हैं, कभी कभी प्रिलिम कंपाइलेशन लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर का डालेगा तो अक्टूबर का डालेगा तो तुझे यहाँ पे शायद ये इस तरह से दिखेगा, देखा अक्टूबर अंडरस्कोर प्रिलिम बूस्टर कमांड टाइप। तो हर बार जो है नाम अलग अलग तरीके से लिख देते हैं ये लोग, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है ना। तो सिर्फ महीने का नाम लिखना है और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अक्टूबर मंथ की अब जो भी चीज़ें ना सब मिल जाएंगी तुझे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्विक रिवीजन फाइल हो जाएगी, या फिर मैगजीन हो गई जो इनकी मेन होती है अपनी, है ना। मैगजीन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैगजीन वो अपन को मिल जाएगी। और अक्टूबर जो करंट अफेयर मैगजीन होती है, और मंथली एडिटोरियल भी अपन को यहाँ से मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर अपन ये देखें, है ना, तो अपन को जो चीज़ चाहिए वो मंथ का नाम लिखना पड़ेगा बस अपन को। फॉर एग्जाम्पल जो पीडीएफ जो आती है अपन को, वो वाली शायद ये वही वाली है, मतलब ये, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने वो तो देख ली, पीडीएफ तो देख ली, प्लेन बूस्टर वाली। तो बस मंथ का नाम लिखना होता है, बस ये ध्यान रखना, और कुछ मत लिखो तुम, अदरवाइज कन्फ्यूज़ होकर प्रॉब्लम में आ जाओगे, है ना। सिर्फ मंथ का नाम लिखो। अब देखो जो अपन द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं वो वाला ये है, तो वो भी मस्त है, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से तुम जो है ये भी कर सकते हो, है ना। इस तरह से जैसे अक्टूबर का कर लिया, उसी तरह से अब तुम इसको भी सबका कर लो। से अभी तुम चाहो तो सबका कर ही लो तुम। मई है ना, मई का आ गया तो तुम्हें मई का आ जाएगा। जैसे मई प्रीलिम कंपाइलेशन तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ही, तुम देख लो एक बार की है कि नहीं तुम्हारे पास प्रीलिम कंपाइलेशन मई का। तो इस तरह से तुम देख, मतलब मंथ लिखो, सिर्फ मंथ लिखो और वो जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। जैसे प्रीलिम कंपाइलेशन ये तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए, है ना। तो बस इस तरह से सिर्फ महीना लिखो, अगर तुम सब कुछ लिखोगे तो तुम घबरा प्रॉब्लम में आ जाओगे। मई वाला नहीं है ना मेरे पास, जून जुलाई, जुलाई जून जुलाई अगस्त इस तरह से है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो, थोड़ा इसमें थोड़ा देखना भी पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है बिल्कुल भी, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज नहीं करके रखा थोड़ा सा, है ना। तो बस मंथ का लिखना है, बस मुझे ये बताना था इसमें।